आज हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो कि रिलेटेड हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये कोई इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। लाइट जब डेंसर से रेयरर आती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, तो डेंसर टू रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली गई। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इनक्रीज किया, तो ये रिफ्रैक्टेड रे और दूर जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिफ्रैक्टेड रे इस इंटरफेस के ही पैरेलल चली गई, इंटरफेस को टच करते हुए चली गई। उस समय पे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और उस समय पे ये जो रेयरर मीडियम है इस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आर की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तीसरा केस, अगर लाइट ये डेंसर और ये रेयरर, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पर टकरा रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज़्यादा है, तो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब लाइट TIR सफ़र करती है और कब इंटरफेस को ग्रेज करते हुए जाती है और कब नॉर्मली रिफ्रैक्शन होता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल के बराबर है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ये वाला केस, तो उस समय पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को ग्रेज करते हुए आगे जाती है। यानी कि इस समय पे क्या होता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। जब लाइट क्रिटिकल एंगल पर आएगी तो इंटरफेस को ग्रेज करते हुए आगे जाएगी। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर आ रही है, फर्स्ट केस, अगर लाइट क्रिटिकल से कम एंगल पर आ रही है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी जैसा होता था। तीसरा, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर आती है, ये केस, तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र करती है। इसके साथ साथ हमें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin IC इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, या sin IC इक्वल टू, अगर रेयरर मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन, जैसे सपोज हमें एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म दिया है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म पढ़ा है हमने, एक एंगल 90 डिग्री और ये दोनों एंगल 45 डिग्री। इस प्रिज्म को हम कहते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। यहाँ पर कोई लाइट इस फेस AB पर, AB फेस पर कोई लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री बनाते हुए इस फेस पर टकरा रही है। हमसे ये पूछा है कि इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो अगर ये लाइट रे इस AC फेस से TIR सफ़र करे, मतलब जब ये इंसिडेंट लाइट AC फेस पे टकराएगी तो AC फेस से टकराने के बाद इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसा होने के लिए इस मटेरियल का, इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मटेरियल ऑफ प्रिज्म सो दैट द इंसिडेंट रे ऑन फेस ए सी सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जो ये इंसिडेंट रे आ रही है ए सी फेस पर, उस ए सी फेस पर टकराने वाली रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करने के लिए इस मटेरियल का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं. तो देखते हैं, सबसे पहले ये रे जो आ रही है ये शायद नॉर्मल इंसिडेंस है. नॉर्मल इंसिडेंस है तो ये रे बेंड नहीं होगी, बेंड नहीं होगी तो सीधे आगे गई और यहाँ टकराई. अब जब ये रे यहाँ टकराएगी तो हमसे कहा है कि ये रे क्या सफ़र कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हम देखते हैं कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. मैंने एक नॉर्मल बनाया, ये एक नॉर्मल है. ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा. नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये सरफेस था एसी, उसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल बनाया. तो ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90. हमें सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है. तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल. तो इंसिडेंट रे ये और नॉर्मल के बीच ये एंगल बना है. तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. इसको हम फाइंड आउट करते हैं. हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ा है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है और अगर लाइट नॉर्मली टकरा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 45 डिग्री. कैसे होता है, जरा ये ऊपर वाले ट्रायंगल को देखते हैं. ऊपर वाला ट्रायंगल, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है. तो ये वाला एंगल यानी कि ये एंगल कितना होगा, 45, ताकि तीनों एंगल का सम 180 हो. अगर ये ऊपर वाला एंगल 45 है, यहाँ पर ये पूरा फेस ऐसा था, ये एसी फेस पूरा ऐसा है. इस एसी फेस पर हमने यहाँ पर ये नॉर्मल बनाया था. ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए, नॉर्मल और ये सरफेस, नॉर्मल और ये सरफेस के बीच पूरा एंगल 90. अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना होगा, अगर ऊपर वाला एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो नीचे वाला एंगल ये भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री. यानी कि इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच ये एंगल कितना बना है, 45 डिग्री. तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया. अब हमें बोला है कि इस रे का इस फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कंडीशन क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो. यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए. अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूँ, साइन ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ आई सी. ये सारी कंडीशन किसकी है, टी आई आर. कोई भी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब सफ़र करती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हो. तो साइन आई ग्रेटर साइन आई सी. हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, 45 डिग्री है. एसी फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री. तो आई की वैल्यू 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी. साइन आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/μ. 1/μ क्यों लिखा, क्योंकि ये बाहर मीडियम एयर है. अगर रेयरर मीडियम एयर है, बाहर एयर है, रेयरर मीडियम अगर एयर होता है तो साइन आई सी की वैल्यू को हम 1/μ लिख सकते हैं. म्यू किसका, ग्लास, क्योंकि प्रिज्म है. साइन 45 1/√2, तो 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन 1/μg. अब दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो रेसिप्रोकल जब करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन चेंज हो जाता है. यानी कि जैसे सपोज हम जानते हैं 3 > होता है 2 से. अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ 1/3 और 1/2, तो ये ग्रेटर की जगह लेस देन का साइन आएगा. 3 और 2 में से कौन ज़्यादा है, 3, और 1/3 और 1/2 में कौन ज़्यादा है, 1/2. तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी इनइक्वलिटी में अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड, तो उस इनइक्वलिटी के साइन को हम चेंज करेंगे. तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल करूँ, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल μg,
तो यहाँ ग्रेटर था तो इसका साइन हमने चेंज कर दिया। ठीक, तो ये बात याद होनी चाहिए, जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वलिटी के केस में तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल रहा है, म्यू जी ग्रेटर देन रूट टू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन मिली। तो यही हमारा आंसर होगा कि इस फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट के ऐसे जाने के लिए TIR होने के लिए, यही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लाइट यहाँ गई और 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा होने के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू से ज़्यादा होना चाहिए, रूट टू की वैल्यू 1.41। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया हुआ है, इस फेस पर लाइट नॉर्मली टकराई थी, यहाँ पर सबसे पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट किया 45 डिग्री इस ट्रायंगल से, फिर हमें बोला है कि TIR होना है, तो हमने कंडीशन लगाई TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता था 45 डिग्री, तो साइन दोनों साइड हमने साइन लिया, साइन 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 1/μg, साइन 45 1/√2, रेसिप्रोकल किया इनइक्वलिटी का साइन चेंज, तो μg की वैल्यू 1.41 से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक प्रिज्म दिया गया है, ये एक प्रिज्म है ए बी सी, ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री, कोई लाइट रे इस ए बी फेस पर नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, ये पी क्यू इंसिडेंट रे है, ये इस सरफेस से 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल इंसिडेंस है। हमें पूछा है इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर कह देते हैं, ग्लास एयर इंटरफेस इज 45 डिग्री, देन ड्रॉ द पाथ ऑफ इमरजेंट रे एंड ऑल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें एक प्रिज्म दिया है ए बी सी जिसमें एंगल ए 45 डिग्री गिवन है, इस ए बी फेस पर कोई लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है इस ए बी फेस के परपेंडिकुलर, और हमें कहे अगर ग्लास एयर इंटरफेस का, ये ग्लास है और बाहर एयर है, इस ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री, तो इमरजेंट रे का हमें पाथ दिखाना है कि इमरजेंट रे कैसे जाएगी, और इस मटेरियल का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये जो पी क्यू रे आ रही है ये नॉर्मली आ रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में बेंडिंग नहीं होती है, तो ये रे यहाँ तक तो सीधे जाएगी, ये रे ऐसे चली गई क्यू आर, तो पी क्यू रे क्यू आर डायरेक्शन में ऐसे चली गई। अब यहाँ से आर पॉइंट पर जब ये स्ट्राइक करती है तो मैंने एक नॉर्मल बनाया, यहाँ पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस और ये नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है ये रे बाहर चले जाए, ये डेंसर है ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर जाते समय अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जा सकती है RS डायरेक्शन में, या हो सकता है कि ये रे यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करने का मतलब कब करेगी, जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर
किससे ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से। तो हमें ये पता करना है कि ये रे यहीं से बाहर जाएगी या TIR होगा या क्या होगा। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का एंगल होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है इस फेस पर, और ये इंसिडेंट रे, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमें निकालना है। अब ये कितना होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल अगर देखते हैं तो ये एंगल 90 है, ये 90, ये 135, तो ये थर्ड वाला एंगल कितना होगा इस ट्रायंगल का, 45। ऊपर वाला ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180, 45 प्लस 45 90 प्लस 90 180। तो ये दो एंगल हमें पता थे, थर्ड एंगल 45 है। और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये फेस और ये नॉर्मल, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, पूरा एंगल 90, ऊपर 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर, ये रे 45 डिग्री पे टकरा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फेस AC, AC फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I = 45 डिग्री। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हमें बोला है इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस इज 45 डिग्री, हमें क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री दिया है, गिवन क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री है। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो उस समय पे ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, मतलब जब लाइट क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल पे टकराती है तो उस समय पे लाइट कैसे जाती है, सरफेस को ही ग्रेज करते हुए। तो ये लाइट यहाँ पर 45 डिग्री पर टकरा रही है, तो जाएगी कैसे, इस सरफेस को ग्रेज करते हुए, यानी कि सरफेस को टच करते हुए ऐसे चली गई है, इस डायरेक्शन में ये रे ऐसे आगे चली गई सरफेस को ग्रेज करते हुए। PQ डायरेक्शन से आई थी, रिफ्रैक्ट हुई QR, फिर RS डायरेक्शन में ऐसे निकल गई। तो ये RS डायरेक्शन में इमर्जेंट रे का पाथ हमने ड्रॉ किया। कैसे पता चला, हमने यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला 45 डिग्री आ रहा है और क्वेश्चन में दिया है क्रिटिकल एंगल भी 45 डिग्री है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो उस समय पे रे सरफेस को ग्रेज करते हुए आगे जाती है। तो यहाँ पर ये रे 45 पे टकराई, तो इसलिए ये सरफेस को ही टच करते हुए आगे निकल गई। पहला पार्ट हमने कर लिया, दूसरा अब हमें निकालना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो हमें क्रिटिकल एंगल गिवन है, तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल इक्वल टू होता है 1/μ, क्योंकि बाहर एयर है, तो जब रेयरर मीडियम एयर होता है तो साइन IC = 1/μ। हमें म्यू फाइंड आउट करना है, IC हमें दिया है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल है 45, 1/μ, साइन 45 1/√2 = 1/μ, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई √2, यानी कि 1.41। तो इस प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक प्रिज्म दिया गया है, ये प्रिज्म ABC, ये प्रिज्म जो हमें दिया गया है ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब इस प्रिज्म की तीनों साइड इक्वल हैं और हर एंगल 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हर एंगल 60 डिग्री और तीनों साइड बराबर। इस फेस पर कोई रे स्ट्राइक कर रही है PQ, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। ये रे यहाँ टकराने के बाद इस बेस के,
ये प्रिज्म का बेस है BC, इसके पैरेलल ऐसे चली गई और यहाँ टकराई पॉइंट R पर। हमें निकालना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए ताकि ये QR रे बेस BC के पैरेलल हो। तो हमें निकालना है फाइंड I फॉर विच QR इज पैरेलल टू BC। आई निकालना है जिसके लिए QR BC के पैरेलल जाए। और हमें दिया है गिवन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3। इक्विलेटरल प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करो जिसके लिए QR रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये रे ऐसे गई है, ये नॉर्मल है, ये शायद इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, इस नॉर्मल को आगे बढ़ाऊँ, तो ये ऐसा होगा कुछ, नॉर्मल वाली लाइन। तो ये वाला एंगल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये एक जेड बन रहा है, ये ऐसा बना है, ये QR और ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी कितना होगा R, ये एक जेड बन रहा है तो ये एंगल R, तो ये एंगल भी R। अब शायद हमें ये एंगल पता चल जाएगा, ये पूरा एंगल 90 होगा। कैसे? क्योंकि ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो ये सरफेस और ये नॉर्मल, ये दोनों के बीच का एंगल 90। और ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो 90 प्लस 60 150, तो R कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो हमें ये R मिल गया 30 डिग्री, 90 प्लस 60 प्लस 30 180, तो ये R की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस AB के लिए, फॉर सरफेस AB स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 30 डिग्री, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास, ये बाहर एयर और ये ग्लास, तो एयर टू ग्लास हम क्या लिखेंगे, AμG, या AμG को क्या लिख सकते हैं, μg अपॉन μa। साइन आई, साइन 31/2, μg दिया है, μg शायद μg अपॉन μa, μg हमें दिया है √3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो यहाँ से साइन आई इक्वल टू कितना आ गया, √3/2। तो साइन में √3/2 की वैल्यू कहाँ पर मिलती है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस फेस पर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, तब ये रे बेस के पैरेलल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म दिया गया है। ये राइट एंगल और ये दोनों एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री। इस प्रिज्म पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, अलग अलग कलर की लाइट स्ट्राइक कर रही है,
ये रेड कलर की लाइट है, ये ग्रीन कलर की लाइट है और ये ब्लू कलर की लाइट है। इस रेड कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.39, ग्रीन कलर के लिए दिया है 1.44 और रेड ब्लू कलर के लिए दिया है 1.47। ये इन तीनों कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। हमें बोल रहा है ड्रॉ द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, मतलब ये कलर का अब पाथ कैसा होगा इस प्रिज्म से पास होने के बाद। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, तीन कलर की लाइट पर, तीन कलर की लाइट इस प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है और इन कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये गिवन है। तो हमें इस तीनों कलर की लाइट का पाथ बताना है, किस पाथ को ये फॉलो करेंगे। तो ये तीनों कलर नॉर्मली इस फेस पे टकरा रहे हैं, 90 डिग्री पे टकरा रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो लाइट शायद यहाँ तक तो बिना बेंड हुए जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट बेंड नहीं होती, तो यहाँ तक तो ये सीधे सीधे पहुँचेंगे। अब जब ये इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं यहाँ यहाँ, किस फेस पर, एसी फेस पर, तो यहाँ से तीन चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये सीधे यहाँ से बाहर चले जाएं, नॉर्मल रिफ्रैक्शन, हो सकता है ये TIR सफ़र करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या हो सकता है ये ग्रेज करते हुए जाएं। ये तीनों डिपेंड करेंगे इस पर। अगर I की वैल्यू IC के बराबर आई तो ग्रेज करेंगे, I की वैल्यू IC से कम आई तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, और I की वैल्यू IC से ज़्यादा आई तो TIR होगा। तो उससे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, और तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वली होगा क्योंकि ये तीनों पैरेलल जा रही हैं और इस सरफेस पे टकरा रही हैं। तो हम किसी एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं। मान लो मैं इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाता हूँ, ये नॉर्मल है, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये 45 डिग्री ही आना है। कैसे आता है, तो ये ट्रायंगल हम पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट का नाम M, M डैश, तो AM M डैश को हम देख लेते हैं, AM M डैश, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, तीनों का सम 180, तो इसको भी कितना होना चाहिए, 45, यानी कि ये वाला एंगल 45 है, और ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, ये नॉर्मल था, ये पूरा एंगल कितना होता है 90 नॉर्मल, और ये सरफेस, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये पूरा 90, ये 45, तो ये कितना आ जाएगा 45, तो इसलिए ये एंगल कितना मिला हमें 45 डिग्री। ये एंगल हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने निकाल लिया। ऐसे ही इस रे का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, इस रे का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें पता करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है कि कम है। तो अगर हम देखते हैं TIR की कंडीशन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। तो फॉर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दोनों साइड साइन ले लें तो साइन आई ग्रेटर साइन आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है सबका 45 डिग्री, तो साइन 45 शुड बी, साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी, साइन 45 वन बाई रूट टू, साइन आई सी को हम क्या लिख सकते हैं 1/μ। अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे, तो रूट टू लेस देन म्यू, यानी कि म्यू ग्रेटर देन रूट टू, यानी कि म्यू की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू कितनी 1.41, यानी कि TIR किसका होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस कलर का होगा
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा हो। तो इन तीनों कलर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा है? तो हमें दिख रहा है ग्रीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा है, 1.44 है। ब्लू कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा है। तो ये दोनों कलर का क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इसी कंडीशन को सॉल्व करके हमें क्या मिला कि म्यू की वैल्यू 1.41 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज़्यादा है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ग्रीन और ब्लू कलर। तो ग्रीन कलर ये है, ग्रीन कलर यहाँ टकराया तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे आ गया ग्रीन कलर। कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा? 45 डिग्री। ऐसी ब्लू कलर का भी TIR होना है, तो ब्लू कलर ये है, ये भी ऐसे ब्लू कलर, कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा? 45 डिग्री। अब रेड कलर का TIR नहीं होगा क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से कम आ रहा है। तो रेड कलर का क्या होगा? नॉर्मल रिफ्रैक्शन। नॉर्मल रिफ्रैक्शन मतलब रे डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल था, इससे दूर ये रेड कलर ऐसा चलेगा। तो रेड कलर किसको सफ़र कर रहा है? नॉर्मल रिफ्रैक्शन को। और ग्रीन और ब्लू कलर क्या सफ़र करेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।